गाइस, वेलकम टू एम्सा फार्म एक्वाफोनिक्स। आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि ग्रोबेड कैसे बनाया जाए। ग्रोबेड इसलिए होता है कि बड़े बड़े प्लांट्स को आपको अगर ग्रो करना है तो ग्रोबेड का यूज़ होता है। जो मैंने सारे टेक्निक्स अभी आपको दिखाए थे वो NFT टेक्निक, मतलब न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, वो आपको दिखाए थे, और डीप वाटर कल्चर DWC बोलते वो दिखाए थे। आज मैं आपको ग्रोबेड शेयर कर रहा हूँ। जैसे आपके टमाटो के प्लांट हो गए, कुकुम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया, या फिर कॉलीफ्लावर हो गया, वो आप ये ग्रोबेड्स के अंदर आप लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्यूरी रेज किया था कि छोटे प्लांट्स को आप उसको आप कैसे ग्रो करना है, आपने बता दिया है। जो बड़े प्लांट्स कैसे ग्रो करने हैं वो भी आप प्लीज़ शेयर करो। तो इसके वजह से मैं आज आपको ग्रोबेड कैसे बनाना आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक ट्रे लिया है, तो इसको बीच में होल मारा हुआ है। होल मार के यहाँ पे मैंने जॉइंटर लगाया हुआ है, ये है जॉइंटर। इसके सी थ्रू मैंने पाइप बिठाया है और यहाँ पे एल्बो बिठाया है। ये इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर मैं एक मीडिया यूज़ करूँगा। मीडिया जो आप हाइड्रोटोन बॉल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो कंस्ट्रक्शन का स्टोन्स रहता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला, ये मैंने वॉश कर लिया अभी पूरा अच्छे तरीके से, जो मैं आज इसमें आज ही यूज़ करूँगा। तो ये किस लिए होल है, इसका वाटर बाहर फेंकने के लिए ऑब्वियसली। लेकिन ग्रोबेड में एक रहता है साइफन। साइफन कैसे जनरेट करना है, साइफन मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली वैक्यूम जनरेट हो जाता है। मतलब आपको यहाँ तक, यहाँ पे आपने मान लो पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ने के बाद ये पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक फिल हो गया, इसके बाद ये यहाँ से ड्रॉप होना चालू होगा और ऑटोमेटिकली वैक्यूम के तरीके से वो नीचे चला जाएगा पानी ऑटोमेटिकली। वो कैसे जनरेट करना है आपको आज मैं दिखाऊंगा। तो ये आप टेक्निक समझ लो, ये आपने टेक्निक अगर समझ लिया तो इसके बाद आप घर पे आप ग्रोबेड बना दिया आपने, तो प्लांट्स आप बड़े बड़े प्लांट्स इसमें ग्रो कर सकते हो। और वैक्यूम जनरेट इसलिए करना है कि आप डायरेक्ट अगर बोलोगे कि डायरेक्ट पानी यहाँ से फ्लो होते नीचे चले जाएगा, तो हमेशा स्टैग्नेंट लेवल यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ पे रहेगा। तो साइफन इसलिए जनरेट करना है कि हमेशा वाटर नीचे चला जाए और ऊपर आ जाए। उसके वजह से क्या होता है, जो रूट्स से जो यहाँ पे रूट्स प्लांट्स के रहेंगे वो रूट्स को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। इसके वजह से साइफन अगर आप ग्रोबेड में लगाओगे तो प्लांट्स का ग्रोथ जल्दी फास्ट हो जाएगा। इसके वजह से साइफन जनरेट करना है। तो साइफन के लिए क्या करना है, मैंने जैसे पहले बताया था यहाँ पे बीच में मैंने होल मारा हुआ है, यहाँ से पास किया हुआ है और यहाँ पे एल्बो लगाया हुआ है। इसके ऊपर मैं एक कैप बिठा रहा हूँ, ये मैंने एक बनाया है। इसके नीचे मैंने यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, ये कट्स दिख रहे हैं आपको, हाँ ये वाले। तो ये मैं यहाँ से ऐसे कैप इसके ऊपर लगाऊंगा, ऐसा वाला। तो इसमें क्या होगा कि पानी का लेवल यहाँ तक आएगा तभी यहाँ से पानी नीचे चला जाएगा, और ये जो एंड वाला जो अंदर का कैप है यहाँ तक पानी लेवल आ जाएगा, फिर वो सकिंग उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो पानी नीचे बहना चालू हो जाएगा, पानी यहाँ से बह के नीचे से एग्जिट हो जाएगा। और ये जो है इसको ब्रेक कैसे करना है, साइफन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक होल मारा हुआ है, तो यहाँ से एयर पास करना है। एयर पास करने के लिए यहाँ से जब एयर पास हो जाएगा तभी वो साइफन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और पानी वापस फिलअप हो जाएगा। ये टेक्निक है, तो ये टेक्निक मैं अभी आपको ला के दिखाता हूँ। और इसके अलावा मैंने एक यहाँ पे एक मैंने ये वाला पाइप को कट मार के ऐसा ये बनाया हुआ है, ये इसके ऊपर डालूंगा मैं ऐसा। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर जो भी मीडिया आप इसमें यूज़ कर रहे हो, मान लो सैंड लो या फिर स्टोन्स लो या फिर आप हाइड्रोटोन बॉल्स लो, तो हाइड्रोटोन बॉल इसके अंदर नहीं जाएंगे, मतलब इसको टच नहीं होंगे। इसके वजह से मैंने एक कवर बनाया हुआ है, तो ये आप इसके ऊपर रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे, इसके बाद ये जो अंदर का जो पाइप है इसके ऊपर एक कैप डाल दिया मैंने ऐसा। तो इसके आजू बाजू में स्टोन्स डालूंगा, इसके वजह से क्या होगा स्टोन इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये पैक नहीं होगा। तो अब ये मैं करके आपको दिखाता हूँ।
अभी ये कम्प्लीट हो गया है, मैंने इस पे स्टोन डाल दिया है। अभी इसको कैसे प्लेस करना है आपको बताता हूँ। जो नीचे का एग्जिट पाइप है उसके लिए ये मैंने यहाँ पे एक पाइप बनाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगा और ये मेरा फिश टैंक के अंदर चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने जो एक्वेरियम का बनाया था इसके बाजू में जो जगह है यहाँ पे मैंने दो बाम्बू डाले हुए हैं, ऐसे इसको ज्वाइंट किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मेरा ग्रो बेड आएगा। तो किस तरीके से प्लेस करना है आपको बताता हूँ मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो फिश वाटर है यहाँ पे हम लोगों ने जो फिशेस छोड़े थे टिलापिया, इसका वाटर ये प्लांट्स को भी मिल रहा है और मैं बड़े प्लांट्स को देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये वाटर यहाँ पे सर्कुलेट करूँगा और यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होके वो नीचे से बह के इसमें चला जाएगा। इसके लिए मैंने जो आपको पाइप शेयर किया था जो ये है वो मैं इसके नीचे फिट कर रहा हूँ अभी। तो ये इसके नीचे चला जाएगा ऐसा पाइप। ये फिट हो गया है। तो एग्जिट वाटर जो है इसका वैक्यूम जनरेट होके, जो साइफन जनरेट होके वाटर जो है वो इसके अंदर चला जाएगा और वापस इधर से ऊपर चला जाएगा। तो ये इसमें अभी पानी ऊपर कैसे छोड़ना है इसका एक नया टेक्निक मैंने डेवलप किया हुआ है, जो आपने सुना रहेगा एयर लिफ्टिंग टेक्निक। नॉर्मली पंप लगाते हैं लोग कि पंप के थ्रू पानी यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा फिर यहाँ से, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन पंप बिठाया, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है और जो पंप बिठाएंगे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एयर लिफ्ट करो, एयर के थ्रू उसमें पानी ऊपर भेजो। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एयर लिफ्टिंग टेक्निक में आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक पाइप लिया, ये मैंने पाइप लिया, ये पाइप मैंने पानी के अंदर छोड़ा हुआ है, ये पानी के अंदर डाल दिया और ये साइड से मैं अपना जो ऑक्सीजन पंप का जो पाइप रहता है वो इसमें अंदर मैं छोड़ रहा हूँ। तो अभी इसके वजह से क्या होगा और कहाँ तक छोड़ना है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखो अभी यहाँ से बाहर आ गया है, यहाँ से बाहर आया है। ये कितना बाहर निकलना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर से ऑक्सीजन आ रहा है अंदर से, तो मैंने खींच लिया और ये अंदर दिख रहा है आपको। ये पूरा ऐसे बाहर नहीं निकालना है, इसको थोड़ा सा एक डेढ़ इंच ऊपर रखना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जब भी एयर अंदर चला जाएगा पानी को बाहर निकलने के लिए एयर नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये ऐसा रहेगा, ये डायरेक्शन से रहेगा, तो एयर ऑटोमेटिकली ऊपर आना चालू हो जाएगा। इसके साथ वो पानी फेंक देगा ऊपर। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये अभी दिख रहा है, ये देखो ये पानी ऊपर फेंकना चालू कर दिया उसने। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दिख रहा है, यस। तो ये एयर लिफ्टिंग टेक्निक हो गया। इसके वजह से आप कितने भी हाइट पे आप पानी फेंक सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपका हाइट कितना है और आपका जो ऑक्सीजन का जो पावर है वो कितना है, कितना फोर्सफुली आपका पर आवर्स के हिसाब से आपका जा रहा है। तो ये अभी पाइप में डायरेक्ट इसमें छोड़ दूंगा, जब ये फिलअप हो जाएगा टैंक तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो इसमें आपका एयर लिफ्टिंग टेक्निक हो गया। तो एयर में इतना प्रेशर रहता है कि कितने भी हाइट में पानी फेंक सकता है। तो ये आप टेक्निक घर पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर ये छोड़ रहा हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे लगाया है, अगर आपको अगर ये दिखेगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली पानी फेंक रहा है ऊपर।
इसके लिए मैंने कोई भी पंप यूज़ नहीं किया है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, इसके थ्रू ऑटोमेटिकली पानी जा रहा है अंदर। तो पानी जब यहाँ तक फिल हो जाएगा इसका, तो पानी नीचे बहना चालू हो जाएगा, वो मैं आपको अलग वीडियो में आपको शेयर करूँगा। तो आपने आज देखा कि ग्रो बेड कैसे बनाना है, साइफन कैसे बनाना है, और मेन चीज़ एयर लिफ्टिंग कैसे करना है। तो एयर लिफ्टिंग के थ्रू ये पानी कंटिन्यूसली अभी ऊपर आना चालू हो गया है, तो इसके थ्रू आप जितना चाहिए उतना ऊपर भेज सकते हो पानी। सिर्फ आपका ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का फोर्स पे ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसके ये थ्रू ये इसके वजह से आप कम इलेक्ट्रिसिटी में आप घर के अंदर फार्मिंग कर सकते हो। ये कैप्सिकम के प्लांट है, जानबूझकर मैं बड़े बड़े प्लांट इसमें ग्रो करने का ये कर रहा हूँ कि आपको पता लगेगा कि इसकी ग्रोथ कैसी होती है, और ग्रो बेड स्पेशली बड़े प्लांट्स के लिए रहते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम के प्लांट लगाए, 1, 2, 3, 4, 5 प्लांट लगाए हुए। तो ये अभी इतना प्रोसेस है, जानबूझकर मैंने यहाँ पे छोटा प्लांट लगाया हुआ है। जैसे यहाँ से सनलाइट आएगा विंडो से, तो पहले इनको लगेगा, इसके बाद ये ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, इसके लीव्स भी बड़े हो गए, तो इसलिए मैंने पीछे रखा है उनको कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। लेकिन छोटे प्लांट अगर यहाँ पे लाएंगे तो सनलाइट उनके तक नहीं पहुँचेगा, इस वजह से मैंने उसको आगे लगाया हुआ है। ये मीडियम बीच में लगाया, और बड़ा जो प्लांट है वो पीछे लगाया हुआ है। तो ये अभी सिस्टम इतना हो गया है। तो ये इसका ग्रोथ कैसे होता है और साइफन कैसे आगे कंटिन्यू करता है, मैं आपको आगे शेयर करूँगा। ग्रोबेड मतलब ये है कि हम जैसे बात करते हैं कि मिट्टी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, सॉइल होना चाहिए, मिट्टी ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉइल ज़रूरी नहीं है, मैं इस तरीके से आपको बता सकता हूँ। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन का पत्थर जो हम लोग खड़ी बोलते हैं वो यूज़ किया हुआ है, और उसमें पेड़ लगाया है। याद रखो दोस्तों, प्लांट्स को तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो एनर्जी के लिए सनलाइट, जो सनलाइट हम लोग दे रहे हैं, दूसरा चीज़ है उसको खड़ा रखने के लिए होल्डिंग पर्पस, कुछ भी मीडिया आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पत्थर लगाए, तो पत्थर में पेड़ ग्रो कर सकते हो आप। और तीसरा चीज़ है उनको रूट्स के लिए न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन हम लोग जो एक्वाफोनिक में हम लोग फिश यूज़ करते हैं, फिश के वेस्ट की वजह से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये तीन चीज़ें प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें आपने अगर किस भी तरीके से मैनेज कर लिया, तो आपके प्लांट्स किधर भी आप उगा सकते हो। तो ये ग्रो बेड का सिस्टम हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप घर पे ग्रो बेड बना सकते हो बड़े प्लांट्स के लिए, और आगे कुछ भी अलग टेक्निक रहेगा तो आपको मैं शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर एम्सा फार्म एक्वाफोनिक्स।